यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी ने औरैया के अस्ता गांव में पहुंचकर बुलंदखंड एक्सप्रेसवे के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे यहां के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा कि वैसे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कुल 36 महीने का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन यूपीडा के अफसरों व निर्माण एजेंसियों के कठिन परिश्रम से इसे 24 महीने में ही पूरा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका और इसे शेष कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। अवनीश अवस्थी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए सजग है और इसके लिए लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। और यह पहुंचने पर जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने एसीएस होम का स्वागत किया। आपको बता दें, एक्सप्रेसवे पर ही बनाए गए हेलीपैड पर पुलिस ने उन्हें सलामी दी। खबर बेतिया से है, जहां बेतिया के बोरैया व नौतन प्रखंड के 300 से अधिक बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच 9वें चरण का मतदान शुरू हो गया, जहां 244,727 मतदाता मतदान करेंगे। तो वही 9वें चरण में मतदान में बढ़ चढ़कर महिलाएं भी दिख रही हैं। बता दें, 11:30 बजे तक 30% मतदान हो चुका है। खबर उदयपुर वाटी से है, जहां प्रसिद्ध तीर्थ लोहरगल स्थित आदिवासी मीणा धर्मशाला व मीन भगवान मंदिर में रविवार को मीणा समाज का दीपावली उत्सव मनाया गया, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर झुंझुनू जिले के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मीणा का सिलेक्शन स्केल में पदोन्नति होने पर उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मान समाज के द्वारा समाज रत्न अवार्ड भी दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भूदान बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री राम नारायण नागवा, मुख्य व्यवसायी समाज सेवी सलीम चौहान, जयपुर हवा महल के वार्ड के पार्षद भूपेंद्र मीणा, आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस खास मौके पर मुख्य व्यवसायी सलीम चौहान ने कहा कि मीणा समाज का कोई भी निर्धन विद्यार्थी जिसको धन की कमी से पढ़ाई में बाधा आ रही है, उसके धन की व्यवस्था की जाएगी। भगवान सहाय मीणा ने धर्मशाला में समाज के लिए सहयोग करने की बात कही। कार्यक्रम में पदोन्नति अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मीणा ने सेवानिवृत्त के बाद पूरा समय समाज सेवा में देने की घोषणा की और उन्होंने समाज के लिए तन मन से धन अर्पित करने की बात भी कही। इसके साथ ही आपको बता दें, हॉकी के इंटरनेशनल खिलाड़ी अमित मीणा धवली CBSE में प्रथम स्थान पाने वाले सीकर के गौरव मीणा को समाज गौरव रत्न से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर खतेपुरा के सरपंच दिलीप मीणा, सरपंच धर्मेंद्र मीणा, हलड़िया के सरपंच विजय मीणा, पंचायत समिति सदस्य हजारीलाल मीणा समेत तमाम ऐसे लोगों को भी एडवोकेट सुरेश मीणा, हरी मीणा, ऋतिक मीणा, पंकज मीणा समेत तमाम महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में 3 विदेशी महिलाएं कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन इन तीनों महिलाओं में पाया गया, जिसके बाद पूरे मथुरा प्रशासन में हड़कंप है। बता दें, तीनों महिलाएं फ्रांस, स्पेन और रूस की रहने वाली है और तीनों महिलाएं संक्रमित पाई गई है और महिलाओं के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की अब सैंपलिंग की जा रही है। खबर कटिहार से है, जहां CSP संचालक से 2 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बता दें, कटिहार पुलिस ने पूरे मामले को लेकर उद्भेदन किया है, 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। कटिहार के कुरसेला थाना क्षेत्र में CSP संचालक से 2 लाख रुपए लूटकांड का पूरा मामले का पुलिस ने खुलासा किया। इस पूरे मामले में 2 अपराधी को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं, जहां पुलिस ने छापेमारी भी की है। लूट में उपयोग की गई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है, जबकि लूटेरे लूट कर रह गए 2200 रुपए की बरामद करने में पुलिस सफल रही। तो वहीं गिरफ्तार अपराधी कटिहार के कुरसेला भागलपुर के रंगरा के हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों तक पहुंच गई, जबकि घटना के बाद लाइनर सहित अन्य संलिप्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभी भी छापेमारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया अनुमंडल से है, जहां मद्य निषेध टीम पटना वे मझोलिया पुलिस के सहयोग से पहले सुबह बेतिया मोतिहारी मुख्य पथ पर नयाज मियां की चिमनी के पास NH 727 पर मद्य निषेध टीम पटना वे मझोलिया पुलिस के द्वारा वाहन जांच के दौरान दिल्ली से आ रही ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर WB73G0567 पर डीजल जनरेटर के 4 खोखा में करीब 400 कार्टून करीब 8,954 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई। बता दें, करीब 12 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शराब की तरह तरह की क्वालिटी की शराब बरामद की गई है। बता दें, शराब की प्रकार कॉलेसिक, फिसली, रॉयल स्टाइल, मैकडोल नंबर में 1A ट्रक अंग्रेजी शराब चालक समेत बरामद हुआ है। जानकारी की माने तो इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इसके विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध छापेमारी शुरू कर दी है।
बहरहाल ये शराब का खेप दिल्ली से मोतिहारी लिया जा रहा था। खबर अयोध्या से है, जहां शिवसेना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान शक्ति से उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय में जागृति आई है, हिंदू वोट बैंक का निर्माण हुआ है और देश की सत्ता में उत्तर प्रदेश की सत्ता में जहाँ से मैं आया हूँ पंजाब की सत्ता में पंजाब के हिंदुओं में जन जागरण भी किया जा रहा है। देश और प्रदेश की सत्ता में रहना है तो हिंदुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनके वोट बैंक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि अयोध्या की पावन धरती, मथुरा वृंदावन की पावन धरती इस बात का सूचक है कि यहाँ आएंगे, आस्था निवेदित करेंगे। जो हिंदू वोट बैंक आपको मिलेगा, जो भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं, अब वे लोग भी मंदिर जा रहे हैं। इसके साथ ही पवन गुप्ता ने कहा कि हमने अपने संगठनों के साथ कई वर्ष पहले प्रण लिया था कि जब भगवान राम जी की जन्मभूमि पर स्वतंत्र रूप से विराजमान हो जाएंगे तब अयोध्या का दर्शन करेंगे। अब ये प्रण पूरा हुआ और अपने पार्टी के संगठनों के साथ आज रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में लगातार अवैध बालू का खनन कई जगह से जारी है, जहां कई प्रतिबंधित घाटों से बालू की खुदाई का मामला सामने आ रहा है। पुलिस प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह से विफल हुआ है। देखा जाए तो गांव वालों का आरोप है कि पुलिस समय पर नहीं आती, जिसके चलते बालू माफिया अपना फायदा उठाते हैं। वहीं बीते दिनों पुरेनी टोना सोनूचक पंचायत में अवैध बालू खुदाई के क्रम में व्यक्ति की जान चली गई। यहां व्यक्ति बांध से बालू की खुदाई कर रहा था और इसी में बांध से मिट्टी धस गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। बता दें विगत दिनों भी अवैध बालू ट्रैक्टर से ले जा रहे दसपुर घाट से चालक सह मालिक का ट्रैक्टर के इंजन से दबने से मौत हो गई थी। इसके अलावा कई लोगों की मौत का मामला लगातार सामने आ चुका है। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन मामले को लेकर बेखबर है। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन का मिलीभगत से बालू माफिया बालू खनन कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस उस पूरे मामले की जांच नहीं कर पाई। वहीं बताते मृत व्यक्ति की पहचान जोगेश्वर मंडल के 18 वर्षीय पुत्र अमर कुमार खरोनी महमदपुर के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने बताया कि बालू निकाल रहा था और इसी दौरान उसकी जान चली गई। आपको बता दें जगदीशपुर क्षेत्र में कई जगह बालू का अवैध खनन लगातार जारी है। कई बार ग्रामीण के द्वारा पुलिस को सूचना भी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर आगरा से है, जहां सोशल मीडिया पर खुलेआम गांजा बेचते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें वीडियो शाहगंज क्षेत्र के भोगीपुर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में युवक सड़कों पर खुलेआम गांजा बेचते नजर आ रहे हैं। शाहगंज क्षेत्र के भोगीपुरा में वाल्मीकि बगीचे के सामने खुलेआम युवक गांजा बेच रहे हैं और क्षेत्र में अन्य अवैध कार्य में लिप्त ये युवक दबंगई के चलते क्षेत्रीय निवासी से भी परेशान है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो थाना शहनाजगंज के भोगीपुर वाल्मीकि बगीचे का बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां कटिहार में किसान अब पारंपरिक खेती केले मक्का की खेती छोड़ अब मखाना की खेती की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें सीमांचल का इलाका केले और मक्का का हब बना जाता है, लेकिन केले में पनपा विल्ट और असमय बारिश के कारण मक्का की खेती इनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मखाना की खेती के लिए इन्हें 4-5 फीट पानी लगा जमीन आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि मखाना की खेती कर कम समय में लागत और मुनाफा कमा सकते हैं। कटिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां किसान मखाने की खेती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और यहां दिल्ली कोलकाता अमृतसर जैसे महानगरों में इसका निर्यात करते हैं। गौरतलब है कि महानगरों में लोग नाश्ते के रूप में प्रोटीन और मिनरल से युक्त मखाना का सेवन करते हैं, जिसके चलते अब किसान मखाना की खेती की ओर बढ़ रहे हैं।